एवरीवन, मैं हूँ किरण और आप सभी का मेरे चैनल इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर स्वागत है। तो मैं आपको क्विकली बता दूँ कि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पल दिखाती हूँ जिन्हें देखना आप सभी को पसंद है। अगर आपको इंडियन मॉम किस तरह से खाना बनाती है, क्या करती है, कहाँ जाती है एंड ऑल सब कुछ जानना है तो आप एकदम राइट प्लेस पर हो। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन जो कि मैं लास्ट 20 मिनट से सोच रही थी कि आज मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूँ। तो आई रियली होप कि आपको मेरा इंट्रोडक्शन जिसे मैंने सोचने में 20 मिनट लगाए हैं वो सुनकर अच्छा लगा होगा। अच्छा, तो बज रहे हैं दोपहर के बारह होते या सुबह के 12, आई थिंक दोपहर के 12, नॉट श्योर। तो बस अभी जा रही थी अपना लंच बनाने एंड एक्चुअली ये व्लॉग है ना बहुत पहले स्टार्ट होने वाला था बट मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी कि सुबह लाइट चली गई थी एंड आज लाइट जो है 2-2.5 घंटे आई नहीं। और तब क्या हुआ कि मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन में नहीं दिखा पाई एंड मेरा जो कैमरा था वो भी चार्ज नहीं था, तो बैटरी चार्ज नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार लंच से चालू करेंगे। तो जब लाइट आई सबसे पहले मैंने बैटरीज को चार्जिंग पर लगाया, फिर जैसे ही बैटरी फुल हुई तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए आज कुछ बनाते हैं, किचन में तो घुस जाए पहले। तो बेसिकली कल रात को मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी बारिश को लेकर एंड अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि मैं क्यों अपसेट हो गई थी एंड नहीं करते हैं तो मैं कल के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड फिर क्या हुआ, जब मैं सुबह उठी ना तो भी थोड़ा सा फॉगी सा जो माहौल था बाहर का वो दिख रहा था एंड आई वॉज़ लाइक शिट, आज भी लग रहा है बारिश होगी। एंड फिर से मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी सुबह ही। देन हल्की सी सूरज की किरणें मुझे दिखी, थोड़ी सी धूप दिखी एंड देन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। एंड देन जस्ट आई थैंक माय गॉड कि थैंक यू सो मच, आपने फाइनली धूप वापस दे दी है एंड बारिश को आप लेके गए। एंड वो जो हैप्पीनेस वाला मोमेंट मेरे अंदर चल रहा था ना, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती बट मैं बहुत खुश हो गई थी कि थैंक गॉड बारिश जैसी, मतलब मैं सोच रही थी वैसी नहीं हुई, बस हल्की सी हुई एंड आई डोंट थिंक कि उस बारिश से कुछ नुकसान होगा, बहुत हल्की सी हुई थी। बट मैं बहुत 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 भगवान के प्रति थैंकफुल हुई कि थैंक गॉड आपने थोड़ी सी मेरी बात सुन ली। यस बेबी, अनिका को ना जब कुछ ऐप इंस्टॉल करना होता है तो मेरे पास आईफोन है तो विदाउट माय थंबप्रिंट तो कुछ होता नहीं है, तो बहुत प्यार से आकर बोलती है मम्मा अपना बटन अपना थंब प्रेस कर दो एंड तब मैं समझ जाती कि दाल में कुछ काला है। ओके, दाल से याद आया कि आज मैं बना रही हूँ लंच और लंच में मैं बना रही हूँ पूरी भाजी, वेरी फेवरेट। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया कि मैंने पूरी भाजी लंच में नहीं बनाई एंड मैं आपको बता दूँ मुझे पूरी बहुत 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 पसंद है बट एकदम अपोजिट मेरे हस्बैंड, उन्हें पूरी बिल्कुल नहीं पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयली, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा वो होता है। तो पूरी के साथ आलू की भाजी बहुत बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट बनाएंगे एंड खाएंगे एंड फिर कुछ बातें करेंगे।
ओके, तो लंच वगैरह हो गया है, काफी मस्त मजा आई लंच करने में। तुम्हें मजा आई? सच्ची जोर से बोलो, मुंडी हिला रही हो, दिखेगा नहीं। ओके, तो मुझे आपको दिखाना था डिवाइन दीवा सब्सक्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, रिसेंटली मैंने इस बॉक्स के बारे में जाना है और मुझे ऐसे लगा कि मुझे आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। तो इस तरह से नाइसली पैक होकर आता है और ये एक मंथली ब्यूटी सब्सक्रिप्शन बॉक्स है। मैंने ऑलरेडी देख लिया है बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए क्योंकि मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो कार्ड है वो निकाल लूँ, जो कि यहीं पर रखा था। 1 मिनट। ओके, तो मेरे पास है ये कार्ड जो कि मुझे मिल चुका है और डिवाइन दीवा इस पर लिखा है। और अभी अभी आप सभी को पता है वुमेंस डे भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था और इसीलिए इस बॉक्स का जो थीम है वो है बी प्राउड टू बी वुमन। तो यहाँ पर है और सारी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की प्राइस एंड ऑल, हर एक चीज़ मेंशन है। और एक स्पेशल गिफ्ट भी है दीवा उसके लिए। जी हाँ, हम लोग दीवा है। और सबसे पहला मेरे पास है ये, नहीं ये नहीं, 1 मिनट। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से लिखा गया है मैं उसी तरह से खोलूँ, राइट। तो ये है इमियाना हाउस का फेस सेरम जिसकी कीमत है 825 रुपीज़। और जो पैकेजिंग है वो काफ़ी लग्जरियस टाइप लग रही है। नाइस, इट्स स्मेलिंग सो गुड। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है। इसमें ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल और इसेंशियल ऑयल्स, लेवेंडर इसेंशियल ऑयल और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये स्किन रिन्यूअल के लिए है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 पेपर बोट की चिकीज भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एवर 18 की 2 वाइप्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एवर 18 की ये जो वाइप्स हैं बहुत 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 यूज़फुल है। मैं पर्सनली इन्हें यूज़ करती हूँ इसीलिए मुझे पता है। इसके बाद ये है सतलीवा हेयर क्रीम जिसकी कीमत है 610 रुपीज़। और ये जो पैकेजिंग है ना, ये मेटालिक है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है। वाओ, इट्स स्मेलिंग सो गुड। नाइस, एंड ये एक हेयर क्रीम है बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर लगा कर देखूँगी। वाओ, आई थिंक आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी वाली हेयर क्रीम तो नहीं यूज़ की है। उसके बाद मेरे पास है ये प्लम का स्किन फूड हैंड स्क्रब रुपीज़ 499। ओके, और ये एक स्क्रब है। इसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी है, लेमन वाली है, बहुत अच्छी है। एंड मुझे स्क्रब्स बहुत पसंद है। एंड ये ग्लास की पैकेजिंग है। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर एक चॉकलेट लवी डेरी रिच मिल्क चॉकलेट जिसे मैं ये वीडियो ख़त्म होते ही खाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है हम्बल बी का चारकोल फेस मिस्ट। ओ, चारकोल फेस मिस्ट, मैंने कभी चारकोल फेस मिस्ट के बारे में नहीं सुना। एंड थोड़ा सा मैं अपने हाथ पर पहले स्प्रे करूँगी क्योंकि चारकोल है, पता नहीं कहीं काला तो नहीं करता है। ओके, नाइस, ये भी बहुत अच्छा खुशबू कर रहा है और इसमें भी काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। इसकी कीमत है 399 रुपीज़। एंड मैं पहले देखूंगी इसे ट्राई कैसे करना, यूज़ कैसे करना एंड फिर इसे मैं अपने फेस पर यूज़ करूंगी क्योंकि थोड़ा सा जो पानी है ना वो ऑब्वियसली चारकोल काला होता है तो पानी भी हल्का सा काला है। बट आई एम नॉट श्योर इसे फेस पर किस तरह से लगाना है, तो मैं एक बार चेक करूंगी एंड फिर कभी लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। एंड इसके बाद मेरे पास है ERC का इराक का कॉस्मेटिक जो कि है क्लियर एक क्रेऑन जिसकी कीमत है 599 रुपीज़। इस तरह से ये क्रेऑन है और कलर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ऑलरेडी। नाइस, जो शेड है पिंक कलर का काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी पिगमेंटेड है और काफ़ी इजी टू ग्लाइड था, बहुत इजीली मेरे हाथों पर बटर के जैसा ग्लाइड हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 ज्वेलरी पीसेस है, 2 ईयर रिंग्स है जिनकी कीमत है 150 रुपीज़। तो सबसे पहले वाला ईयर रिंग मैं आपको दिखाऊंगी जो कि बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड एंड डायमंड एंड सम
रेड कलर का स्टोन है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसे इस तरह से दिखाती हूँ एंड बहुत जल्दी आप मुझे इसे पहने हुए देखेंगे। एंड देन बहुत ही क्यूट से यहाँ पर बो काइंड ऑफ दो ईयरिंग्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसी तरह से ये जो बॉक्स है वो खाली हो चुका है और इस बॉक्स में एक्चुअली बहुत सारी प्रोडक्ट्स आई है जिनकी कीमत 825, 610, 499, 550 and 14 rupees इस तरह से थी। एंड एक प्रोडक्ट का तो 399 कीमत था जिसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ इस बॉक्स की जो कीमत है वो है 699। जी हाँ, 699 में आपको इतनी सारी प्रोडक्ट्स मिल रही है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील टू ग्रैब। जो शिपिंग है वो इंक्लूड नहीं है, तो आप शिपिंग जो है अपने एरिया के हिसाब से आपके कम ज़्यादा हो जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स मुझे मिले हैं ना, वो बहुत ही, उनकी एक्चुअली जो खुशबू है वो बहुत डिवाइन है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है। केमिकल वाले तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ मिले हैं। आई थिंक ये इराक का कॉस्मेटिक ही है जिसमें हो सकता है केमिकल हो, आई डोंट नो, बट बाकी तो सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, तो मेरा दिल जीत लिया है इस डब्बे ने। तो इसके जो भी डिटेल्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि मैं बहुत, आई थिंक 3 या 4 दिनों से ऑफिस नहीं गई हूँ। मैं खुद भूल चुकी हूँ कि लास्ट टाइम मैं ऑफिस कब गई थी, सो आई एम थिंकिंग कि ऑफिस चली जाऊँ एंड थोड़ा सा काम कर लूँ वहाँ पर जाकर, क्योंकि आज फ्राइडे है एंड फिर कल सैटरडे एंड संडे, तो छुट्टी हो जाएगा 2 दिन, तो वैसे ही मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, इसलिए आई एम थिंकिंग कि मैं जाती हूँ एंड थोड़ा सा काम एंड ऑल ख़त्म करती हूँ, करवाती हूँ, मुझे करवाना पड़ता है बिकॉज आई एम बॉस, तो करवाना पड़ता है। तो चलिए फिर तैयार होते हैं। ओके, तो अगर आप मेरी आंखों को गौर से देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा, नहीं दिख रहा है? ओके, मैं बता दूं, मैंने आज यहाँ पर नीचे की तरफ ब्लू कलर की लाइन को ड्रॉ किया है यहाँ पर नीचे की तरफ, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब अगर आप मिरर में देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये नेचुरल सिंपल सा लुक। वैसे मेरे फेस पर सिर्फ और सिर्फ हल्का सा लिपस्टिक है एंड नथिंग ऑन माय फेस एंड डिफाइन आईब्रोज। तो अभी अभी जो मैंने बॉक्स दिखाया उसमें पम का जो हैंड स्क्रब आया था उसी से मैंने अपने हाथों को बहुत अच्छे से स्क्रब कर लिया है एंड अभी मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। एंड इनकी जो वो खुशबू है नींबू वाली, ऑसम है। तो मैंने सोचा कि चलो हैंड स्क्रब कर ही लिया है तो नेल पॉलिश भी अपनी बदल लूँ और बस ये वाइप्स यूज़ कर रही हूँ, जो मार्केट में वाइप्स आते हैं राइट, नेल पेंट को निकालने वाले, उन्हें यूज़ कर रही हूँ। एंड मेरी जो फेवरेट आजकल SQ की नेल पॉलिश, जो कि आप सभी को मैंने बताई थी लीड फ्री है और काफ़ी अच्छी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैट फिनिश में है। तो उस दिन तो आपने मुझे देखा था, मैंने ये वाला हाउ आई एम मैच योर, ये वाला जो नेल पेंट है जो कि टैन कलर दिखता है, ये लगाया था। और अभी आप मेरे नेल्स पर देख सकते हो, ये मैंने लगाया है अप्रॉक्सी मैट, जो कि आप मेरे इस समय नेल्स पर देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है। एंड अभी मैं इन तीनों में से एक लगाऊंगी, तो जब लगाऊंगी तब मैं आपको बताती हूँ, तब उससे पहले मैं अपनी नेल पॉलिश को रिमूव कर लूँ। और सब का ट्राई करो, मैं भी लगाती हूँ ना, आपने देखा होगा ना मेरे उसमें। हाँ, मिल जाता है, बस 1 month का शायद तुम्हें 400 rupees देना पड़ेगा अगर तुम बट इसको यूज करने के बाद भी ना स्किन ऐसी चमक जाती है ना यार। ओके, तो अभी अभी क्या कर रही है बेबी? I will playing a game. थोड़ा आवाज कम कर दो। ये कौन सा गेम है? ये स्पेलिंग्स का है। तो कोई भी दिखाएगा ग्राउंड, व्हाट इज ग्राउंड की स्पेलिंग, तो लिखना है ग्राउंड की स्पेलिंग। वाह, तुमने इतना अच्छा गेम डाउनलोड किया था सुबह। मेरी बेटी तो बड़ी शियानी हो गई।
ओके, तो अभी अभी मेरी रितु के साथ बात हुई, एंड अगर आप सोच रहे कि हुज रितु, तो आपको थोड़ा सा पुराने व्लॉग्स मेरे देखने पड़ेंगे. ओके, तो या उसे पता भी नहीं है कि मैंने उसे व्लॉग में इंक्लूड किया, एंड जब वो ये वीडियो देखेगी ना, तब मुझे पक्का मैसेज करेगी, दीदी. एंड रितु इतनी ज़्यादा कॉन्शियस सब्सक्राइबर है, 1 मिनट बेबी, इतनी ज़्यादा कॉन्शियस है कि जब भी मैं किसी से मिलती हूँ, या मेरा जब मीट एंड ग्रीट था, और मतलब जो भी, मतलब सबसे पहले मैसेज करती है, दीदी ये याद रखना कि मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ. इतनी ज़्यादा कॉन्शियस है वो, मतलब हमेशा एक मैसेज उसका पक्का रहता है कि भाई दीदी आप याद रखना कि मैं सबसे मतलब ज़्यादा प्यार करती हूँ. ओह माय गॉड, दिस इज़ सो क्रेजी. ओके, तो मैंने 3 तरह की नेल पॉलिश लगाई है. फर्स्ट वाली मैंने लगाई है ये ओवर ड्रा मैट, और ये बहुत ही क्यूट सा मैट कलर है, आप देख सकते हैं, जो कि मेरे स्किन टोन से काफ़ी मैच कर रहा है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया यार, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है. उसके बाद मैंने सेकेंड यहाँ पर लगाया है परस्यू न्यूड. ओके, ये इस तरह से दिख रहा है, मुझे ये भी काफ़ी पसंद आया. एंड थर्ड जो शेड है मैंने लगाया है वूहो, तो ये वाला जो शेड है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. नाउ आई एम कन्फ्यूज कि मैं कौन सा लगाऊँ बेबी, मैं कौन सा तीनों में से एक लगाऊँ, क्योंकि टैन वाला जो था, ये वाला जो था मैंने उस दिन लगाया था, और अभी जो निकाला वो तो ये वाला था, जिसे मैं नहीं लगाना चाहती हूँ वापस, क्योंकि दो शेड हो गए. अभी तीनों में से मैं कौन सा लगाऊँ, देखो ऐसा करो. बिग डिसीजन. ओ ये वाला सेम, मुझे भी ये वाला ज़्यादा मन था लगाने का, और ये शेड है अगेन ओवर ड्रा मैट, तो आई थिंक मैं ओवर ड्रा मैट लगाती हूँ. तो थोड़ा सा वाइप दे दो, दोनों को साफ कर दो और ओवर ड्रा मैट लगा दो. आपकी हेल्प करो. एंड बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कहाँ मिलेंगे ये नेल पॉलिशेस एंड ऑल, तो एज यूजुअल लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ आई कैन प्ले गेम. या ओके, रुको, हो गया मेरा, हो गया. नहीं, मुझे और वाइप्स नहीं चाहिए बाबू, मैं आपकी हेल्प कर रही थी. ओह थैंक यू. ओके, डन. ओके, तो वीडियोस देखकर हो गए हैं यूट्यूब पर, और मैं आपको बता दूं कि मैं टीवी बहुत 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 रेयर देखती हूँ. कोई सीरियल वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है सीरियल्स एंड ऑल देखना. रियलिटी शोज़ देखना पसंद करती हूँ, पर मेरे साथ अक्सर क्या होता है ना कि टाइम ना होने की वजह से मैं एक दो एपिसोड जो होते हैं रियलिटी टीवी के वो मिस कर देती हूँ, और ये सब जब मैं मिस कर देती हूँ तो फिर मेरा वापस से देखने का मन नहीं होता है. तो बहुत कम चीज़ें हैं जो मैं देखती हूँ, जैसे कौन बनेगा करोड़पति मेरा फेवरेट है, वो मैं पक्का देखती हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि आप कहीं से भी देखो आप देख सकते हो. फिर भाभी जी घर पर है मैं कभी कभी देखती हूँ, क्योंकि उसमें भी क्या है आप कहाँ से भी कहीं से भी देखो, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है. एंड कुछ कॉमेडी शोज़ पहले आते थे, जैसे द कॉमेडी सर्कस एंड द ड्रामा कंपनी, लाफ्टर इंडिया चैलेंज, तो ये सारे सीरियल्स मुझे काफ़ी पसंद थे देखना. पर अभी ऐसा कुछ भी कॉमेडी नहीं आ रहा है टीवी पर, तो बस मैं YouTube देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, एंड ट्रैवल एक्सपी. मैं ट्रैवल एक्सपी बहुत देखती हूँ, मतलब आई लव वॉचिंग ट्रैवल एक्सपी. तो ऑलमोस्ट मैंने एक एक एपिसोड जो बहुत सारे मतलब घूमने फिरने वाले हैं वो 10 टाइम्स देखे हैं. तो आई लव वॉचिंग ट्रैवल एक्सपी. अभी मतलब एक रूटीन में है मेरे, रात में मैं आधा घंटा तो देख ही लेती हूँ. तो बस, तो एक्चुअली
आराम भी थोड़ा बहुत मैंने किया, और अभी बज रहे हैं 4 और मैं सोच रही थी ऑफिस जाने का, बट बहुत आलस आ रही है यार, इतना आलस आ रही है ऑफिस जाने के लिए कि क्या बताऊँ, मतलब तैयार होने का मन नहीं कर रहा है ना। ऑब्वियसली मैं तैयार तो नहीं होने वाली हूँ, बट मन भी नहीं कर रहा है कि मैं कपड़े चेंज करूँ एंड जाऊँ। लिटरली ऐसा मन हो रहा है कि यार, क्योंकि इन 3-4 दिनों में मैं ऑफिस गई नहीं हूँ ना अनिका की वजह से। तो आज अनिका का हॉलीडे है बाय द वे, क्योंकि एक एग्ज़ाम के बाद एक हॉलीडे है और इसलिए आज हॉलीडे है। अभी सीधा उसका मंडे को पेपर है, तो बहुत आलस भर गया है। एंड मेरे हस्बैंड बोले कि यार तुमको आना चाहिए, इतना आलस मत करो। आई सेड हाँ, मैं और आलस ऐसे कैसे हो सकता है, देखो मेरे सोसाइटी वाले। तो चलिए मैं तैयार हो ही जाती हूँ, आलस बुरी बला होती है, तो आलस नहीं करती हूँ, जाकर आती हूँ। ओके, तो ऑफिस जाने का मेरा जो प्लान था वो ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया है, क्योंकि मिस अनिका जो है तैयार नहीं है ऑफिस चलने के लिए। सो प्लान ड्रॉप, और अनिका के बिना मैं अकेले ऑफिस जाती नहीं हूँ। अगर अनिका मेरे साथ है तो मैं उसे लेके ही जाती हूँ। तो अभी मैडम अनिका को ही नहीं जाना है, तो फिर मैं अकेले वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ। और हाउस द बटर मिल, अच्छा मैंने दोपहर में जैसे कि आपको पता है कि बटर मिल्क विद पूरी भाजी बनाई थी, एंड मिस्टर राज को पता चल गया, एंड मिस्टर राज भागे 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 आए, एंड प्लेट फिनिश पूरी भाजी की, एंड बटर मिल्क भी पी लिया। तो बस मिस्टर राज सिखाया तो राज पापा दी ढाबा नहीं है। नहीं अभी तक आपने डाला भी नहीं है, तो डोंट से कि आपने सिखाया। तुमको सिखाया ना, उन लोग को नहीं सिखाया। नहीं आपने सिखाया ही नहीं, इसी सब गिराते हुए जा रहे हो। जैसे उन्होंने सुना कि मैंने पूरी भाजी दोपहर के लंच में बनाई है, शाम के 4:30 बजे भाग कर आकर खा रहे, मतलब आज ही गोभी मंचूरियन का वीडियो राज ने पब्लिश किया अपने चैनल पर, तो मेक श्योर कि आप चेक करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड थोड़ा सा बटर मिल्क अभी बाकी है, इतना बाकी है, और मैं पीने वाली हूँ फॉर श्योर, क्योंकि काफ़ी रिफ्रेशिंग वाला जैसा बना है, क्योंकि उसमें जो मैंने धनिया डाला है ना उससे काफ़ी एकदम मस्त लग रहा है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज है फ्राइडे, तो वी आर थिंकिंग टू एंजॉय, बट आई एम नॉट श्योर आई विल व्लॉग और नॉट। या सो बस लाइक शेयर इफ पॉसिबल एंड सब्सक्राइब, भर के लाइक एंड कमेंट। बेबी 360 को लाइक करें, बेबी 360.in को चेक करें, राज पापा दी ढाबा को लाइक करें, इंडियन मामा ड्यूटी को लाइक करना मर्जी है आपकी, लेकिन इन तीनों को तो करना ही। आपको अगली बार खाना है ना पूरी भाजी, खानी है कि नहीं? तो मेरा मतलब पता है राज को पहले पूरी, तो तुमको मेरी चापलूसी करनी चाहिए, कल मेरा डे है। हाँ सैटरडे को राज कुक करते हैं, और राज को पहले ना मैं बता दूँ पूरी खानी बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो राज को पहले पूरी खानी बिल्कुल नहीं पसंद थी, पर जब से मैं पूरी भाजी बनाने लग गई तब से वो मतलब मेक श्योर करते कि वो खाए। तो चलो फिर इधर क्यों मेरे को एकदम से दुखने लग गया, तो चलो फिर बाय करती हूँ, एंड जस्ट कमेंट जो भी आपको बोलना है। ओके बाय बाय।